एक नदी पहाड़ों की एक लंबी ते कठिन यात्रा नू तय करके एक मैदानी एरिए दे विच पहुंचती है। नदी के दोनों पासे पत्थरों का ढेर लग्या होया सी। इन्हां विच वख वख दिख दे अनेक पत्थर सी। इन्हां ही पत्थरों विचों दो पत्थरों की आपस में चंगी बन लग पई, जान पछाण हो गई ते दोनों एक दूसरे नाल अपने मन दीआं गल्लां नू सांझीआं करन लग पए। उन्हां विचों एक पत्थर बड़ा गोल मटोल बड़ा सोहना ते आकर्षक सी। जदों कोई दूसरा पत्थर बेटंगा सी, उसका कोई आकार नहीं सी ते ओह देखण नू काफ़ी खुरदरा सी। इस खुरदरे पत्थर ने गोल मटोल ते सोहणे पत्थर नू पुछिआ कि यार तू भी उस नदी के किनारे ते पिआ ऐ जिहड़ी नदी के किनारे ते मैं पिआ। आपां दोवें पहाड़ां तों बह के इत्थे पहुंचे हाँ, पर तू किन्ना सोहना गोल मटोल ते कूला कूला है जदों के मैं खुरदरा बेटंगा ते बिल्कुल भी सोहना नहीं। तां गोल मटोल सोहने पत्थर ने जवाब दिता, किसे टाइम मैं भी तेरे वर्गा ही सी, मैं बिल्कुल सोहना नहीं सी, खुरदरा सी। फिर कई सालां तक इसे नदी के पानी विच बहिंदा रहा। नदी के पानी के थप्पड़ा ने मैनू कई वार वड्डियां वड्डियां चट्टानां दे नाल टकराया। नदी के पानी ने कई बार मेरी हैक नू चीरिया। मैं बहुत सारे तूफाना दा सामना करिया ते इसे तरह मुश्किलां दा सामना करदा होया टुटदा होया घसदा होया मैं अज इस रूप विच पहुंचिया हाँ। अज मैं आप भी मनदा कि मेरी शकल सूरत सोहनी हो चुकी है। अज मैं भी मनदा कि किसे समय मैं खुरदरा सी, अज कूला ते आकर्षक बन चुका हाँ। उस गोल पत्थर ने अपनी गल नू अगे होर वधाउंदे होए कहा, तू घबरा ना निराश ना हो, अज जिथे मैं हाँ कल तू भी उत्थे जरूर पहुँचेगा। यह भी हो सकता कि तू मेरे तो भी वधिया स्थिति दे विच पहुँच जावें, तू मेरे तो भी ज़्यादा वधिया बन जावें, क्योंकि जदों तू संघर्ष करेगा ना तो तेरे विच तब्दीली जरूर आएगी ते अजिही तब्दीली आएगी जिहड़ी तैनू अज तो कई गुणा ज़्यादा बेहतर बना देवेगी। मैं भी शायद तेरे वर्गा ही बनिया रह जाता अगर मैं संघर्ष नू ना चुनदा। मेरे कोल भी सदा एक ऑप्शन सी कि मैं नदी दे एक किनारे ते चुप चाप पिया रवां ते अपने आप नू इन्हां नदी दे थप्पड़ां तों बचा लैंदा तूफानां तों बचा लैंदा, पर मैं वो ऑप्शन नहीं चुनिया क्योंकि मैं अपने आप विच बेहतरी देखना चाहुंदा सी। इसलिए अगर तू भी अपने आप विच बेहतरी देखना चाहुंदा है तो संघर्ष दे रस्ते नू चुन ले, तेरे विच भी बहुत सोहणे बदलाव आउणगे ते तैनू तेरी मंजिल जरूर मिलेगी। दोस्तों, इन्हां दो पत्थरां दी छोटी जी गल्लबात सानूं संघर्ष दी अहमियत सिखाउंदी है। साडे सारिआं दी जिंदगी च असीं सारे सुपने देखदे हाँ, असीं सारे किसे ना किसे मंजिल ते पहुँचना चाहुंदे हाँ, असीं सारे किसे होर दी कामयाबी जां प्राप्ति नूं देख के प्रभावित हुंदे हाँ, पर जदों गल आ जांदी है अपने ते तां आपां इह नहीं देखदे कि सामने वाले ने संघर्ष किन्ना कीता है। आपां सिर्फ उस दीआं प्राप्तियां देखदे हाँ ते अपने आप नूं कोसदे रहिंदे हाँ कि मेरे विच इह कुछ क्यों नहीं, मैनूं कामयाबी क्यों नहीं मिली। दोस्तों, संघर्ष दा रस्ता मुश्किल जरूर हुंदा पर इस दी मंजिल सदा खूबसूरत हुंदी है। इसलिए संघर्ष दे रस्ते तो कदे भी मूँह ना मोड़ियो। अगर अज तुहानूं स्ट्रगल दा फेज देखना पै रहा है तां डटे रहो। अगर तुसीं डटे रहोगे कल नूं तुहानूं मंजिल ते पहुंचिया देख के अनेक लोग होर भी सोचणगे कि काश असीं भी इस मंजिल ते पहुँच सकीए। संघर्ष दे रस्ते ते मुश्किलां तकलीफां जरूर हुंदियां, संघर्ष दे रस्ते ते टाइम जरूर लग जांदा, पर जदों आखिरकार फल मिलदा है तो वह फल सारियां मुश्किलां तकलीफां ते उस समय दे दर्द नू भुला देंदा है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने सुपनियां च यकीन कर ते लग्या रहे डटिया रहे, अज नहीं तो कल तू अपनी मंजिल नू प्राप्त जरूर कर लवेगा। मैनू तेरे ते यकीन है, इसलिए तू भी अपने आप ते यकीन करिया कर। दोस्तों, तुसी सुन रहे सी जगमीत सिंह हठूर नू यूट्यूब चैनल कलम पंजाब दी तों। अगर तुहानू एक कहानी ए वीडियो वधिया लगी आ तां हुणे ही इस वीडियो नू लाइक कर दिओ, नीचे अपने विचारां नू कमेंट जरूर करिओ ते इस वीडियो नू अगे शेयर जरूर करिओ, क्योंकि हो सकदा तुहाडा एक शेयर किसे होर संघर्ष तों निराश हो रहे व्यक्ति नू एक आशा दी एक उम्मीद दी एक नवीं किरण दे देवे। बाकी दोस्तों, अगर तुसी अपने इस चैनल कलम पंजाब दी नू हाले तक सबसक्राइब नहीं करिया तो हुणे ही सबसक्राइब कर लो ते अग्गे बनी हुई घंटी जरूर दबा देवो तां कि अगली मोटिवेशनल सोहणे विचारां वाली वीडियो तुहाडे तक अपने आप पहुँच जावे। दोस्तों, अज लई मैनू दिओ इजाजत, मैं बहुत जल्द फिर मिलांगा एक नवीं मोटिवेशन दे नाल, एक नवें संदेश दे नाल। तद तक लई अलविदा, सत श्री अकाल।